क्या कारण है रामटेक जो गढ़ मंदिर है आज इतना प्रसिद्ध है, यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की भीड़ क्यों ऐसी कम हो चुकी है? देखिए, जो प्रभु रामचंद्र जी का रामटेक में मंदिर है ना, नेक्स्ट टू अयोध्या है। आज भारत में अयोध्या को जितने अच्छी तरह से जाना जाता है उतने अच्छी तरह राम मंदिर को भी जाना जाता है। लेकिन अयोध्या का तो कायाकल्प हो गया, अयोध्या तो बहुत कुछ अच्छा बन गया, लेकिन रामटेक में आज भी हमारे प्रभु रामचंद्र जी वनवास में हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या 50 साल में रामटेक क्यों नहीं डेवलप हुआ। लेकिन करंटली जब सोचता हूँ तो देखिए, हमारे बावन कुड़े साहब ने कोराडी का डेवलपमेंट किया, उसके बाद नितिन गडकरी साहब ने धापीवाड़ा का डेवलपमेंट किया, हमारे लोकनेता सुनील केदार साहब ने आदासा का डेवलपमेंट किया, मुझे लगता है पारट सिंगा में चरण सिंह ठाकुर साहब ने पारट सिंगा का ये किया, उसके बाद जब हम आते हैं अम्बोरा में अच्छा ब्रिज व्रिज वहाँ के आमदार ने बनाया, हमारे सुलेखा कुम्हारे ने ड्रैगन पैलेस कामठी में बनाया, लेकिन हमारे रामटेक में कुछ नहीं बनाया। जो हमारे लोक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि थे है उनमें वो आस्था या श्रद्धा नहीं है, या उनमें या तो विजन नहीं है कि भैया हम यदि रामटेक को बहुत अच्छा बना ले तो ये सोने की खान है, यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। उसके कारण 25,000 लोग यदि रोज रामटेक में आते तो आप ही सोचिए कितना बड़ा रोजगार होता, आर्थिक क्रांति हो जाती। लेकिन हमारे रामटेक में ना तो रोपवे है, ना लाइट एंड साउंड शो है, ना भक्त निवास है, ना टॉयलेट ब्लॉक है, और तो लाइट एंड साउंड शो के लिए अखे विदर्भ में और कहीं जगह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कैरेक्टर में प्रभु रामचंद्र जी हैं, हमारे यहाँ कैरेक्टर में संत कालिदास जी है जिन्होंने मेघदूत यहाँ लिखा है, हमारे यहाँ पे नारायण स्वामी में जहाँ संत तुकोजी महाराज और संत सीताराम बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई है वो जगह यहाँ है, हमारे यहाँ नागार्जुन जी वेलनोर हर्बर साइंटिस्ट यहाँ बने हैं, यहाँ राजा वाकाटक है। मुझे कितने कैरेक्टर्स है जिसपे हम लाइट एंड साउंड शो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये किसी के पे भी एक भी लाइट एंड साउंड शो यहाँ बनाया नहीं है। क्या होता है, कोई भी टूरिस्ट है या कोई भी भक्तगण या परिवार के साथ आता है तो उसको सब फैसिलिटीज मिली तो बहुत वो खुश होता है। हमारा रामधाम का उदाहरण लीजिए, यहाँ आने के बाद हर जाने वाला पर्यटक हमको थैंक यू बोल के जाता है, लेकिन यही पर्यटक जब रामटेक जाता है वहाँ उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वहाँ उनको अच्छा टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे किसी भी टाइप की जब उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती तो ये सोचता है कि भैया गलती होगी, हम आ गए आज, इसके बाद अब हम नहीं आएंगे। उसके कारण निगेटिव पब्लिसिटी होने से, जबकि हमारे पास प्रभु रामचंद्र जी है, वो तो आज दुनिया के दैवत है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी रहने के बावजूद भी जो लोकल MLA MP इन्होंने डेवलपमेंट नहीं करने से आज ये हो गया। हो सकता है प्रभु रामचंद्र की इच्छा हो कि चंद्रपाल चौक से आमदार बने रामटेक का, और उसके बाद उनका अज्ञातवास या उनका वनवास खत्म हो, तो मैं तो ईश्वर को वही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप वो शक्ति दो, मुझे आप बुद्धि दो, और मुझे एक बार कुछ ऐसा बनने का मौका दो तो मेरा समय लाइफ का पहला मेरा जो काम रहेगा वो यही काम करेगा कि रामटेक के जो प्रभु रामचंद्र जी है उनका वनवास दूर करने की मैं कोशिश करूँगा।